जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन दिनों आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन की बेल हियरिंग की सुनवाई कर रहा है। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको जैन की प्ली पर हुई डेकी केस प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया था। आप ये भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन को और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे तो हियरिंग के डे 2 की बात करें तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बहुत स्ट्रांगली जैन को डिफेंड किया था। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बेंच के सामने उनके द्वारा काफी एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट्स रेस किए गए थे, पर क्या उनके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स जैन को बेल दिलवा पाएंगे? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। राहत बस इतनी है कि जैन को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अगले डायरेक्शंस तक इंटरिम बेल पर रहने की मंजूरी दे दी है। इस केस की कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच डिटेल में अब इस केस की हियरिंग कर रहा है। थर्सडे को जैन बेल हियरिंग का डे 3 था, जहाँ हमें ED की तरफ से सबमिशन सुनने को मिले हैं। 2 दिन तक अपने केस को रिप्रेजेंट कर चुके एडवोकेट सिंघवी के कंटेंशंस पर अपोज करते हुए ED ने सत्येंद्र जैन को बेल ना देने की रिक्वेस्ट की है। इसके अलावा एक हैरानी वाला वाक्य ये हुआ कि ED काउंसिल ने जैन को एक आर्ग्यूमेंट के चलते मॉक भी किया है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जरूर जानेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि जैन के काउंसिल ने इस मॉकिंग को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है। जस्टिसेस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल के बेंच के सामने प्रेजेंट होते हुए ED के काउंसिल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि जैन ने कंपनीज पर एक इफेक्टिव कंट्रोल एक्सरसाइज किया है इवन आफ्टर गिविंग अप हिज पोजीशन एज अ डायरेक्टर इन द कंपनीज। Raju submitted unaccounted cash of over 4 crores were received in this companies through entries. This is not disputed. Satyendra Jain, however, has maintained that he had nothing to do with this amount or the companies. That's the crux of his case. His not being a director has no significance. He was de facto in control of these companies through his family members. Co-accused Vabhav and Ankush Jain were only dummies. The entire amount that was received by these companies can be attributed to Satyendra Jain. अगर आप relate कर पा रहे हो तो ये submissions एसवी राजू ने सिंघवी के उस argument को oppose करने के लिए दिया है, जहां उन्होंने कहा था कि जैन का role companies में सिर्फ एक qualified architect का था। He was a consultant. Persons who want to buy, develop land are the ones who put take the money. He was there for expertise, never supposed to be investor, money handler. Hearing के दौरान एसवी राजू ने क्लेम किया कि मनी को लॉन्डर करने की बिड में कुछ अमाउंट कोलकाता बेस्ड एंट्री ऑपरेटर्स द्वारा शेल कंपनीज में रूट किया गया है, जिन्होंने बाद में वो पैसे इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में उन कंपनीज को रिटर्न कर दिया जो जैन के साथ लिंक्ड है। राजू सेड बट दीज इन्वेस्टमेंट्स वर बोगस, द शेयर्स वर इन्फ्लेटेड, द कंपनीज वर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, द प्राइस ऑफ दीज शेयर वर इन्फ्लेटेड सो दैट मोर मनी कैन कम एंड लेस शेयर्स कैन गो। After this money came in, the shares were brought back again by these companies. उनके ये कहने पर जस्टिस मित्तल ने ASG से सवाल किया कि ये सत्येंद्र जैन को कैसे हेल्प करेगा, जिसपे ASG राजू ने रीजन दिया दिस हेल्प्ड हिम बिकॉज ही डिड नॉट हैव वाइट, ही नीडेड द वाइट मनी। पर जस्टिस त्रिवेदी ने उनसे कहा कि वो डायरेक्टर नहीं थे। तो फिर से ASG ने एक्सप्लेन किया कि इस केस में ये एक स्मॉल निट फैमिली कंपनी थी। साथ ही ASG ने ये भी आर्ग्यू किया कि ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्सरसाइज जैन ने मास्टरमाइंड की थी अपने CA की कंसल्टेशन के साथ। ये सुनकर जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा कि क्या CA भी वन ऑफ द अक्यूज्ड है, तो ASG ने मना कर दिया और बताया कि वो ED के स्टार विटनेस है। केस हियरिंग के दौरान ASG ने बेंच को कई फोटोज दिखाए जहां एलिजेडली जैन जेल में वैभव और अंकुश को ट्यूटर कर रहे थे। पिछले साल अ वीडियो ऑफ द आम आदमी पार्टी लीडर रिसीविंग अ मसाज फ्रॉम वो ऑफिशियल्स रिपोर्टेडली क्लेम्ड वाज अ फेलो prisoner went viral, triggering a massive mudslinging row between आम आदमी पार्टी and the भारतीय जनता पार्टी। इस पे जस्टिस मित्तल ने ASG से लाइटर नोट पर सवाल किया कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो उन्हें अंदर क्यों रखे। तो इसके रिप्लाई में ASG राजू ने बेंच को बताया कि वो बार बार ये चीज बता चुके हैं कि क्या कोइंसिडेंस है कि बार बार बेल मैटर आने से ठीक पहले ही जैन अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब भी उन्हें जेल से बाहर रहना होता है वो मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मूव करते हैं और हॉस्पिटल में रहते हैं। बेंच को बताते हुए और जैन को मॉक करते हुए एसवी राजू ने सबमिट किया ईदर ही इज गेटिंग स्पेशल ट्रीटमेंट व्हाइल इन जेल, आउटसाइड जेल ही इज इन द हॉस्पिटल, व्हेनेवर द बेल मैटर कम्स अप ही इज फॉलिंग डाउन। आई हैव पॉइंटेड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज सफर्ड अ फॉल जस्ट बिफोर द बेल मैटर। इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। दे से लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स इन द सेम प्लेस ट्वाइस। हालांकि जैन के काउंसिल ने इन रिमार्क्स को ऑब्जेक्ट किया और उन्हें अनफेयर बताया। उन्होंने सबमिट किया कि उन्हें जो इंक्वायरी इंक्वायरीज पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी पीरियड के दौरान सफल हुई है उन्हें वेरीफाई किया गया था। कोर्ट ने जैन की इंटरिम बेल को बरकरार रखते हुए मैटर को 17 जनवरी के लिए लिस्ट किया है। केस की बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जैन, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्हें ईडी ने 3 मई 2022 को अरेस्ट कर लिया था इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। वो तब तक कस्टडी में रहे जब तक वेकेशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग जस्टिसेस जे महेश्वरी NPS नरसिम्हा ने उन्हें पिछले साल 26 मई को इंटरिम बेल ग्रांट नहीं कर दी। अगस्त में कोर्ट ने जैन की इंटरिम बेल को सेकेंड टाइम एक्सटेंड किया था आफ्टर सिंघवी स्टेटेड दैट ही वाज अंडरगोइंग रिहेबिलिटेशन फॉलोइंग अ कॉम्प्लेक्स स्पाइनल ऑपरेशन। एसवी राजू के स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बाद भी बेंच ने जैन के सरेंडर से अग्री नहीं किया। तब से लेकर अब तक इस केस में कई अर्जनमेंट्स देखने को मिल चुकी है, पर एक ऐसे ही हियरिंग में, जो कि बाद में अर्जन कर दी गई थी, ASG ने जैन की यही डिले टैक्टिक्स को फ्लैग किया था। ये बैटल ये बताते हुए कि जैन इससे ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पुश करने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसके रिस्पांस में कोर्ट ने उनसे ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में डिलीजेंटली पार्टिसिपेट करने को कहा था। बेंच हैड ऑर्डर्ड इट इज मेड क्लियर पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर दिस कोर्ट और एनी रीजन शैल नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज और रूज टू डिफर प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रायल कोर्ट बट वुड डिलीजेंटली टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड परमिट द केस टू प्रोग्रेस। वहीं दूसरी तरफ पिटिशनर एडवोकेट सिंघवी ने क्वेश्चंस रेज किए थे ऑन द नेसेसिटी ऑफ जैन्स अरेस्ट, पॉइंटिंग टू द नीड टू शो डेमोन्स्ट्रेबल ऑब्वियस एंड पैल्पेबल रीजन फॉर मेकिंग एन अरेस्ट। काउंसिल ने कोर्ट को बताया था कि मई 2022 से अरेस्ट हुए जैन ने ऑलमोस्ट एक पूरा साल जेल में स्पेंड किया है, जिसके बाद उन्हें स्पाइनल ऑपरेशन के लिए इंटरिम बेल पर रिलीज किया गया है। उन्होंने पिछली हियरिंग्स में ईडी के क्लेम्स को भी रिफ्यूट किया है, ये बताते हुए कि ना तो वो उन 3 कंपनीज में डायरेक्टर थे और ना ही उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं। सिंघवी अब इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि जैन के अगेंस्ट कोई प्रेडिकेट ऑफेंस एस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं, जिसके साथ उन्होंने PMLA की एप्लीकेशन को भी क्वेश्चन किया है। 2017 से चले आ रहे CBI के इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग अमाउंटिंग टू INR 11.78 करोड़ ड्यूरिंग 2010 टू 2012 एंड INR 4.63 करोड़ ड्यूरिंग 2015 टू 16 का आरोप जैन के और बाकी लोगों पर लगाया गया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले ही 6 अप्रैल को जैन की बेल प्ली को डिसमिस कर दी थी, साइटिंग हिम एज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन विद द पोटेंशियल टू टैम्पर विद एविडेंस। ED ने ये कंटेंट किया था दैट द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट जैन एंड अदर को अक्यूज्ड इज क्लियर। We hope Supreme Court soon decides the case and clear all the complex issues which are being raised. Stay tuned with Law Chakra to get more updates on this case.